चेज़ वैल्यू में गई थी अपने बेटे के लिए नया स्कूल बैग मैं खरीद के लेके आई हूँ, और ये कुछ इस तरह से है, ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, जैसे स्ट्रैप्स ग्रे हैं। अरे बिल्कुल लेटेस्ट बैग आया था और बैक साइड इसकी ग्रे है और कुछ नेट सा बना हुआ, नेट फैब्रिक है और हैंडल ग्रे है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था ये बैग। और साइड पॉकेट्स हैं इसकी इस तरीके से, और फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी स्पेस है इसमें साइड में, ये जो फिट है ये भी बहुत प्यारी है, स्पेस काफ़ी है इसमें अंदर बैग में। मुझे काफ़ी पसंद आया था, न्यू डिज़ाइन था ये, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है और तीन पॉकेट्स हैं इसमें, एक और ये दो तीन, तीन पॉकेट्स हैं और काफ़ी लेटेस्ट सा खूबसूरत सा, और ना ये जो है ना बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है। बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर में हैंडल है, जिप्स बहुत खूबसूरत थी इसकी, तो मैंने अपने बेटे को स्कूल के लिए दिलाया। और चेज वैल्यू से अपने लिए भी एक ब्लैक कलर में मैंने ये बैग ख़रीदा है, अच्छे ह्यूज साइज़ का ये बैग है, काफ़ी बड़ा बैग है और काफ़ी मुझे पसंद आया था। वेरी सिंपल सिंपल सा और बड़ा प्यारा सा ये बैग है, एज यू कैन सी डबल। इस टाइप के बहुत आजकल जो है ना इन है बैग्स जो हैं, और इसमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। हम लगा कर एक मिनट बेटा, काफ़ी बड़ा बैग है, मतलब जैसे हम लोगों के बेबीज़ हैं साथ उनका कोई सामान रखना हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। ओह नो, वेरी कूल बैग, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया है। गाइस देख लो, मैंने ये देखो कितनी प्यारी तस्वीर मैंने लगाई हुई है, और ये वेलवेट के पाउचेस, क्लोज करो, वेलवेट के पाउचेस में है और इसकी प्राइस मैंने मेंशन नहीं की है। बहुत ही प्यारी लग रही है तस्वीर, हाँ जो ना वाइट है और साथ में के पाउचेस भी, और ये वाली इनकी प्राइस है 2500 रुपये। ये देखिए क्लोज दिखाओ, ये भी बहुत ही हसीन तस्वीर है और जो है 2500 रुपये इनका हदिया है, बहुत ही हसीन है। ये वाली कितने की है? ये 30 रुपये की है, 30 रुपये की है। देखिए बहुत ही खूबसूरत है, तीन डोरी में चुनी हुई है, बहुत ही कम अच्छे रीजनेबल रेट में जो है ना तस्वीर हाथ में ली है। अच्छा जी, बेसन मैंने सिंपल खोल लिया है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल के, और इसमें जो है ना मैं आलू के पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू जो है ना सिंपली कटिंग कर लूँगी, ताकि आलू के पकौड़ों के लिए आलू जो है ना कटिंग हो जाए हमारे। आज मैं अपने बेटे को भी स्कूल लेके गई थी, अब रमज़ान में स्कूल ले जाना लाना बहुत टफ टाइमिंग है और बहुत ही मुश्किल काम है ये। हालांकि टाइमिंग जो है वो 2 घंटे के कर दी है स्कूल वालों ने, लेकिन फिर भी आपको
मेहनत तो करनी पड़ती है बच्चों के साथ, थोड़ा टफ होता है रोजे में लेके जाना, स्कूल से लेके आना, इट्स अ वेरी टफ टास्क, लेकिन क्या करें, हम माओं को तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। हाँ, मैं जल्दी जल्दी जो है ना आलू के पकौड़े बस कोशिश करूंगी कि फ्राई हो जाए, क्योंकि मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो अफ्तार में हम दोनों को ही पसंद है, तो ये तो लाजमी बनाने होते हैं। इसके अलावा मैं देखूंगी कि आज जो मैंने फ्रीजर में फ्रीज किए थे ना मूंग की दाल के दही बड़े, मैं सोच रही हूँ आज मैं जो है ना थोड़े से वो मूंग की दाल के दही बड़े भी फ्रीजर से निकाल के बना लूं, क्योंकि जरा चटपटे से लगते हैं। कल मैंने नहीं बनाए थे दही बड़े, तो जरा सूना सूना सा था दस्तरखान। ओके जी, बर्तनों के जितने आप थीम है रेड है, ये दो प्लास्टिक के रेड कलर के प्लेटर्स हैं जो मैं आज इफ्तारी में यूज करूंगी, और रेड बाउल है, और रेड ही कलर का ग्लास है, सो थीम इज ऑल रेड। ओके जी, मिर्च का पकौड़ा फ्राई हो गया, ये तो हम हाथों हाथ निकाल लेंगे, फ्राई हो गई तो इतनी मजे की लग रही है। मिर्च तो मैंने कम बेसन लगाया था आज, और तकरीबन आलू के पकौड़े भी हमारे रेडी हो गए, एक्सेस ऑयल निकाल के हम आलू के पकौड़े भी प्लेटर में जो है हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह आलू के पकौड़े भी प्यारे से जो है ना रेडी हो गए। कल बनाए थे तो बहुत टेस्टी लगे थे, मजा आ गया था खाने का, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज आलू के पकौड़े दोबारा हो जाए। ओके जी, ये जो चिकन के समोसे मैंने फ्रीज किए थे, अब इनकी बारी आ गई है। आज मेरा मूड हो रहा है कि चलो चिकन के समोसे जो है ना फ्राई करके खाते हैं, मैं दो ही फ्राई कर लूंगी और अपने लिए अपने बेटे के लिए। ये फ्रोजन चिकन समोसा जो है ना ये भी मैं फ्राई होने के लिए ऐड कर दूंगी ऑयल में। ओके जी, दही में जो है ना मूंग की दाल के दही बड़े के लिए नमक थोड़ा सा ऐड कर लूंगी दही में, और दही को जो है ना फेंट लूंगी, फेंट के फिर जो है ना इसमें मैं शुगर ऐड नहीं कर रही, नमकीन ही बना रही हूँ आज मैं, आज मुझे कुछ भी खाने का मूड नहीं है, तो फ्रीज किए हुए मूंग दाल दही बड़े में ये दही फेंट के नमक के साथ, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और दही और वो जो बड़े हैं ना मूंग की दाल के वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ओके जी, बड़े जो है ना मैंने फ्रीजर से निकाल लिए, प्लेन योगर्ट में ये बड़े जो है ना मूंग की दाल और बेसन के बड़े मैंने बनाए थे फ्रीज किए हुए, ये मैं दही में ऐड कर दूंगी, और इसके बाद जो है ये हरा धनिया हरी मिर्च और पुदीने की चटनी मैंने बनाई हुई थी दही के साथ, ये मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूंगी दही बड़ों में, और इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला जाएगा दही में, दही बड़ा मसाला है बल्कि, और ये देखिए हमारे मजेदार से जो है ना मजेदार से दही बड़े जो है ना हमारी बेटी। स्लाइस जूस ले लिया था आज मैंने, और आलू के पकौड़े बनाए हैं, एक मिर्च का पकौड़ा बनाया है, चिकन के समोसे बनाए हैं, और मूंग दाल दही बड़े बनाए हैं मैंने, और ये मैं मिठाई वाले से आते हुए अपने लिए सोन हलवा लेके आई हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, मीठा खाने का दिल चाह रहा था मेरा, सो माशाल्लाह अफ्तारी इज ऑल रेडी।